यदि यहाँ पर जो है बैठान बैठान मतलब कभी कभी प्रजावासी लोग जहाँ पर बैठ करके प्रज का मंगल और अमंगल को विषय पर जहाँ पर सोचते थे, जैसे कृष्ण कभी गिरिराज गोवर्धन धारण किया, जब कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण किया अभी ब्रजवासियों ने देख देख करके दंग रह गए, क्योंकि कृष्ण 7 साल के बालक और 7 क्रोश गिरिराज और उनने 7 दिन तक धारण किया। धारण क्या कैसे हम कहते हैं ना, अरे ये काम हमारे लिए थोड़ी बड़ी भारी काम है, हम तो उसको उल्टा हाथ में कर सकते हैं, बोले बाम हाथ में नहीं, कहते कनिष्ठ अंगुल में सबसे छोटे अंगुल पर कर सकते, छोटे अंगुल पर नहीं, कहते हम उसको नाखून के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाए, जब ब्रजवासियों ने ये चीज को देखा है ना, देखकर तो अक्के बक्के चक्के हो गए, बोले भगवान गिरिराज गोवर्धन है, इतने बड़े गिरिराज को कनिष्ठ अंगुल पर धारण कर लिया। उसको बाद में फिर ब्रजवासियों ने जहां पर बैठ कर मीटिंग की, मीटिंग करके अभी नंद जसोदा को वहां पर बुलाए, बोले देखो तुम लोग कृष्ण को साधारण अभी तक समझ रहे थे ना, उतना कुमारे सकटासुर कुमारे त्रिणावर्त कुमारे अघासुर बकासुर कुमारे, ठीक है कोई एक बगुला को मार दिया, किसी ने सांप को मार दिया, ऐसे करके उड़ा दिया, क्योंकि जो ब्रज है ये माधुर्य भूमि है, हैं कृष्ण यहाँ पर ऐश्वर्य जो दिखाया, जितना ऐश्वर्य उन्होंने ब्रज में दिखाया इतना ऐश्वर्य कहीं कोई भगवान नहीं दिखाया। 6 दिन में उन्होंने पुतना को मारना कोई साधारण बात है? वो साधारण बात नहीं। बोले अभी तक तो तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, अभी तक कम से कम विश्वास करो कृष्ण भगवान। जब नंद बाबा को बोले ना, इतने में नंद बाबा ने हा 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 बड़े जोर से ठाल लगाकर हंसे, बोले देखो देखो तो सही, अभी तक तो हमारी लाला ये ब्रजवासियों को विपत्ति से रक्षा किया, अभी हमारी लाला के ऊपर विपत्ति आ गई। मतलब ब्रज में कृष्ण को भगवान बोलना मतलब है मानो कृष्ण विपत्ति है, कृष्ण को कोई भगवान मानना नहीं चाहते हैं, क्या मानते हैं, सखा लोग तो मानते ही हमारे सखा है, हैं? और मैया तो मानती है मेरे छोटा सा लाला, और ब्रज गोपियां क्या मानती है हमारे प्रियतम है, कृष्ण स्वयं जिनके चरण में सर्व झुका देते हैं, बोले हमारी ऊपर अभी विपत्ति आ गई, ये लोग कह रहे हैं कृष्ण भगवान है, बोले तुम लोगों को पता है कृष्ण क्या क्या करता रहता है, बोले क्या करता है, अगर कृष्ण को भागवत में पहला श्लोक में बताया ना सत्यं परम धीमहि, कृष्ण परम सत्य है और एक साथ में 33 करोड़ देवता एकत्रित होकर के कितना सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से जोनी निहितम च सत्य सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्री सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपदि, ये 33 करोड़ देवता कह रहे हैं कृष्ण परम सत्य है, लेकिन अगर सत्य होता तो ये बात बात में झूठ बोलता है, पूरा का पूरा मक्खन खा लिया। मैया ने कहा लाला तेने मक्खन खाई, कृष्ण झूठ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, सुनना मैया मोरी मैंने ही मक्खन, कृष्ण कब झूठ बोलते हैं, मिट्टी पूरा के मुट्ठी मिट्टी खा लिया, मैया ने कहा लाला तेने मिट्टी खाई, कृष्ण सफेद झूठ बोल दिए, बोले ना अहम भक्सी तो वानम भो सर्व मिथ्या भी संसिन, बोले माँ ये सबके सब झूठ बोलते हैं, बोले सबके सब झूठ है, तू एका हरि सत्यवादी हरिचंदा तू अकेले, बोले हाँ मैया, बोले दाऊ बताओ तो सही सही, दाऊ तो कभी झूठ बोलेगा नहीं, बोले दाऊ बताओ तो कृष्ण मिट्टी खाया कि नहीं, बस दाऊ भैया अभी बोल दे मैया अपना आंखों से देखा कृष्ण को मिट्टी खाते हुए, हैं कृष्ण कहते मैया ये दाऊ है ना ऊपर में तो देखने में गोरो है लेकिन अंदर में बड़े काले हैं, अरे मैं ऊपर में तो दिखता हूँ काला हूँ लेकिन मैया अंदर में मैं बहुत गोरो हूँ, मतलब क्या है, बलदेव प्रभु ऊपर में तो गोरे अंदर में काले, मतलब क्या, ब्रज में जहाँ जहाँ दाऊ भैया को देखोगे ना सब काले काले देखो, कोई गोरे नहीं मिलेंगे, बोले ऊपर में काला हूँ अंदर में गोरो हूँ, मतलब क्या, अंतर है अंतर में कौन है, बोले अंदर में वो राधा रानी को याद करते हैं, है आत्मा तो राधिका एवं उनका आत्मा राधा रानी, इसलिए राधा रानी गोरी, इसलिए अंदर में तो गोरो हो लेकिन ऊपर में तो काला लेकिन अंदर में गोरो हो, है इतने में
जब उन्होंने ये सब बात बोली कितना ये झूठ बोलता है कृष्णा, भगवान कभी झूठ बोलते हैं? देखो तुम लोग मेरे बात को विश्वास मत करो, लेकिन कम से कम गर्गाचार्य की तो बात को तो विश्वास करोगे। इसलिए गर्गाचार्य ने जब इनके नामकरण किया था, सबको बुलाओ, सबको मगाओ, सब जन्मपति मगाओ, और उन्होंने मगा करके गर्गाचार्य को त्रिकाल दृष्टा है, बोल देखो ये गर्गाचार्य ने क्या बताया, देखो आप सब खुद देख लो गर्गाचार्य क्या बताते हैं। गर्गाचार्य स्वयं बताया ये कृष्ण कौन है, हैं कृष्ण कौन है, बोले जो कृष्ण है ना ये नंद के लाला श्री कृष्ण है, हाँ? और नारायण सम गुणई, ये गर्गाचार्य स्वयं बोले। लेकिन गर्गाचार्य एक बात बोले, लेकिन ये शुद्ध वात्सल्य भाव है ना ये उल्टा समझे। गर्गाचार्य क्या बोले, नारायण सम गुणई, मतलब है जो नारायण में जो गुण है, लेकिन पूर्ण गुण किसको अंदर में, कृष्ण को अंदर में, ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो 64 जो गुण युक्त कृष्ण, लेकिन कभी कभी इनका गुण ये नारायण में प्रकाश पाएगा, लेकिन जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है, ये कौन बताया, गर्गाचार्य। लेकिन नंद बाबा ये शुद्ध वात्सल्य है, वो क्या सोचते थे, नारायण समगुण ही, मतलब है कभी कभी नारायण का कुछ कुछ गुण मेरे लाला में प्रकाश पाएगा, मेरे लाला थोड़ी गिरिराज को उठा सकता है, ये नारायण ने क्या किया, मेरे लाला को अंदर में प्रवेश करा के ना ये गिरिराज उठा दिया, मेरे लाला कहाँ गिरिराज को उठा सकता है। इसलिए जब जब कृष्ण कोई अद्भुत लीला करते थे, ब्रजवासी क्या समझते थे, हमारे लाला थोड़ी कर सकते हैं, ये तो कभी कभी नारायण का कृपा सु मेरे लाला कभी कभी बच जाता है, नारायण कृपा कर बचा देता है। इसलिए जिस बैठक में बैठ करके इस बात हुआ करती थी, इसके उसका नाम है बैठान है। वहीं पर ही जिस समय आप लोग श्रवण कर रहे थे ना, अभी जावट गए थे, वो जावट में जिस समय राधा कृष्ण की शादी चल रही थी, अभी राधा कृष्ण के अंदर में शादी होगी, जब शादी होगी चल रही थी, इतने में जोग माया ने देखा भैया गड़बड़ी होने जा रही है, क्यों, इनके अंदर में शादी हो जाएगी, पर शादी हो जाएगी ना इनके अंदर में जो परकिया रस है, कहती ये रस तो नष्ट ही हो जाएगी, परकिया रस ये तो सुखिया हो जाएगा, जैसे उनकी द्वारका में जैसे रुक्मिणी कृष्ण की शादी है, हैं, और जैसे उनको अयोध्या जैसे उनकी द्वारका की जैसे लीला है, ये तो लीला हो जाएगी, लेकिन जो परकिया जो रस है ये रस तो नष्ट ही हो जाएगी। मिलन का जो अभी तीर्थमार जो बोल रहे थे ना, बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, जो दुर्लभता प्रचंड कामुकता, हाँ, कहते भैया ये चीज तो मिलन की नष्ट हो जाएगी। इसलिए गोलोक वृंदावन में उनका तो नित्य मिलन है ही है, गोलोक वृंदावन में तो नित्य मिलन है, लेकिन यहाँ पर अगर हो जाएगी ना, फिर सबके सब रस नष्ट हो जाएगी, मिलन की उत्कंठा नहीं रहेगी। इसलिए जोग माया ने वहां पर मीटिंग हुई, जब मीटिंग हुई राधा कृष्ण के शादी के बाद जब मीटिंग हुई, इतने में वहां पर पौर्णमा से जोग माया, क्योंकि इनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, और सारे लीला को पुष्टि करने वाले ये जोग माया है, ये पौर्णमा से जोग माया, इतने में श्री पौर्णमा से कुछ पूछा गया, बताओ यह क्या होगी, अभी राधा कृष्ण की शादी की बात होने जा रही थी, इतने में पौर्णवासी ने कहा देखो मैंने इनकी जन्म पत्र देख लिया है, ये जो लड़की है ना मांगली है, अगर ये आप लोग को पता होगा मांगली लड़की, अगर लड़का मांगली नहीं है, अगर शादी करोगे ना ये जिंदगी भर सुखी नहीं रहेंगे, जिंदगी भर दुखी दुखी लड़ाई झगड़ा होगा, बाद में डाइवोर्स भी हो सकती है, इसलिए इनसे शादी मत कराओ। नंद इसको तो भृष्यवान महाराज सुन के डर गए, अगर इसे शादी कराएंगे तो बड़ी गड़बड़ी होगा, उन्होंने बोले भैया नहीं हम अपना लड़की को शादी नहीं कराएंगे, बोले बताओ फिर लड़की को शादी कहाँ कराए, बोले आप लोग ये जावट में एक आयना घोष नाम का एक बेटा है, और जिनकी जिनकी माँ और जिनकी बहन जटिला और कुटिला है, हैं? उनका भी एक बेटा जिसका नाम आयना घोष अभिमन्यु, अगर उसको साथ में शादी कराओगे तुम्हारी बेटी जिंदगी भर सुखी रहेगी। जब इतना बोले अभी राधा रानी ये बात को सुनकर दुखी हो गई, फिर जब राधा रानी फिर रात को जब श्याम सुंदर को साथ में मिले, बोले श्याम सुंदर मैं क्या सुन रही हूँ, मेरी शादी आपसे नहीं ये आयना घोष को साथ में जावट में होगी। इतने में कृष्ण ने कहा हे राधे हम तो नित्य विहार गोलोक वृंदावन में हम तो नित्य विहार करते हैं, अगर यहाँ पर अगर हमारी शादी हो जाएगी ना ये परकिया प्रेम नष्ट हो जाएगी, मिलन की उत्कंठा खत्म हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को तो शादी नहीं होगी, लेकिन एक काम
जब ये जो आईना घर से मेरे मामा लगता है, जब शादी होगी मैं उसको गोद में बैठ जाऊंगा, और जब माला बदला होगी ना है, माला बदला होगी उसी समय में मैं अपना सर का आगे कर दूंगा, और तू तो माला उसको मायना घोष को नहीं दे करके वो माला तू तो मेरे गला में दे देना, और वहां पर बोलेंगे बाढ़ बाढ़ मतलब मैं स्वीकार, लड़की को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, उसी समय मैं बोलूंगा मैं स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए शादी मेरी साथ में हो जाएगी, और दुनिया हंसी उड़ाते हुए बात को तो उड़ा देंगे, इसलिए चीज को कोई नहीं समझ पाएगा। कृष्ण ने ये सब बात को बता दी, और श्री वृषभानंद महाराज ने जावट में इतना सुंदर उन्होंने राज जो वर्णना किया, इतना सुंदर राधा रानी के लिए, कोई क्यों राधा रानी सर्व लक्ष्मी मई, उनके लिए इतने सुंदर उन्होंने राजमहल बनाया, सुंदर जिसमें राजहंस, जिसमें सुंदर मयूर, जिसमें सुंदर सुंदर कारीगरी किया, आकाश में जब हंस उड़ते हुए जा रहे थे उनको लगता था सचमुच से कोई हंस है, वो आकर के उनको चुंबन करते थे, इतना सुंदर मयूर, मयूर सोचता था सख्या तो मयूर जैसे, क्यों राधा रानी सर्व लक्ष्मी मई, इतने सुंदर वहां पर उन्होंने राजमहल बनाया, इसलिए जहां पर बैठ करके ये सब चर्चा हुआ करती थी उस स्थान का नाम बैठा। और एक शेष साई अभी भी कृष्ण की इतने बड़े बड़े चरण चिन्ह है, इतने बड़े बड़े चरण चिन्ह अभी भी पड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर कृष्ण का गोचरण का चिन्ह, गोचरण का स्थान है, कृष्ण वहीं पर सखाओं के साथ में गोचरण करते थे, कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे, बंसी ध्वनि में कहते त्रिजगत मानसाकर्षि मुरली कलक उज्जित, बंसी ध्वनि से कहते कृष्ण का जो बंसुरी तीन तरह का है, बंसी मुरली और एक वेणु, तीन तरह का है, और उनका जो आवाज है ना अलग अलग आवाज है, कहते कभी कभी सर्वभूत मनोहर, कभी ये गोपी भूत मनोहर, कृष्ण कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाते थे जिस बंसी ध्वनि केवल विश्व ब्रह्मांड को, जो त्रिजगत मनासकर की विश्व ब्रह्मांड को जो मुग्ध कर देते थे, और एक तरह का बंसी ध्वनि जिसको कहते गोपी भूत मनोहर, जो बंसी ध्वनि को और कोई नहीं सुन सकते हैं, केवल गोपियां ही सुन सकते थे, इसलिए बंसी बैठे को नीचे कृष्ण ने जो बंसी ध्वनि की कहते वो गोपी भूत मनोहर, नहीं तो संपूर्ण ब्रज ही उमड़ करके आ जाता है, ब्रज ही उमड़ करके आ जाता, इसलिए कृष्ण की बंसी ध्वनि में अभी भी वहां पर बहुत बड़े बड़े कृष्ण का चरण चिन्ह वहां पर पड़ा हुआ है। एक समय लेकिन आप लोगों देखोगे एक आश्चर्य चीज है, क्या देखोगे वो जो चरण चिन्ह है ना वो एक तरफ का है, दो तरफ नहीं देखोगे, सारे चरण चिन्ह एक तरफ का। एक समय गोस्वामियों ने विचार किया भैया चरण चिन्ह अलग अलग तरफ में होनी चाहिए, लेकिन ये चरण चिन्ह एक ही तरफ में क्यों सारे चरण चिन्ह है, बोले ये बात केवल एक व्यक्ति बता सकता है, बोले कौन है, बोले श्री जीव गोस्वामी, बोले चलो श्री जीव गोस्वामी को पास में चलते हैं, उनसे पूछे ये सारे चरण चिन्ह एक तरफ में क्यों, दो तरफ में क्यों नहीं है, बोले कारण है कृष्ण जब जा रहे थे ना उसी समय कृष्ण बंसुरी बजाए, बंसुरी बजाए तो क्या हुआ, सबके सब गिरिराज, सबके सब पर्वत बंसी ध्वनि से सबके सब पिघल गया, इसलिए एक तरफ में चरण चिन्ह है, लेकिन आते समय कृष्ण ने चरण चिन्ह मैंने बंसुरी नहीं बजाई, इसलिए दूसरे तरफ में उनकी चरण चिन्ह नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा दो चरण चिन्ह है, हाथी की, हिरण की, कृष्ण की, बलदेव प्रभु की, मुकुट की, वो सारे चरण चिन्ह वहीं पर है। वहां पर एक तालाब है जिसका नाम खीर सागर है, वहीं पर कृष्ण जब लीला कर रहे थे सखियां भी आई थी, इतने में कृष्ण ने कहा जानते हो गोपियां मैं कौन हूँ, बोले तू नंद के लाला हो, मक्खन चोर हो, है मक्खन चोर नंद, बोले तुम लोग ग्वालिनिया तुम लोग मेरे को क्या जानते हो, कपड़े चोर, तो कपड़े में चोरी करने वाले तू क्या हमारी महिमा जानते हो, बोले तू तो ऐसे डिग हांकते रहते हो, बोले जानते हो मैं कौन, बोले मैं वही नारायण हूँ सृष्टि से पहले जिनकी नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है, और मैंने ब्रह्मा जी को ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्यम च तद गंज गृहाणम गदितम मया, मैंने दिव्य ज्ञान ये नाल ब्रह्मा जी को प्रदान की, ब्रह्मा मेरे आदेश में ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की है, इसलिए मैं वही नारायण हूँ, बोले तो ढीक हांकते रहते हर समय और कोई काम नहीं, बोले देखोगे, बोले क्या देखोगे, हाँ बोले दिखाओ, इतने में वहां पर खीर समुद्र प्रकट हो गया,
और वहां पर साक्षात अनंत देव आ गए। कृष्ण स्वयं अनंत नाग ऊपर में नारायण रूप में शयन किए। जब शयन किए इतने में श्री राधा रानी, वो तो सर्वलक्ष्मी भाई, इतने में श्री राधा रानी कृष्ण की चरण की सेवा की। इसलिए वो खीर समुद्र वहीं पर श्री खीर समुद्र है। इसलिए वहां पर बहुत बहुत सारे लीला है हम लोग को जानने का था, लेकिन आज यहीं से आप लोग प्रणाम कर लो खीर समुद्र को। यहाँ पर आप लोग ने कथा सुने, ये कोकिल बन है जहाँ पर श्री श्याम सुंदर यहीं पर आकर के जब उन्होंने जावट में गए राधा रानी से मिलने के लिए, और जब जब दरवाजा महाराज खटखटा कर रहे थे, इतने में जटिला कुटिला उठ रहे कौन है, कृष्ण चुप करके पैर को नीचे बैठ जाते हैं, फिर दरवाजा खटखटाते हैं, बोले तू कौन हो। कृष्ण को रात भर ये जटिला कुटिला राधा रानी से मिलने नहीं दिए। जब नहीं दिए कृष्ण को इतना क्रोध आया ना, बोले तारी के राधा जी को साथ में रात भर हमें मिलने नहीं दिया, ऐसे में कुछ काम करूंगा ना, ये जटिला पुटला ही मेरे साथ में मिलाया करेंगे। तब कृष्ण जावड़ से पास में है, कृष्ण यहीं पर आकर के उन्होंने को बड़ी मीठी मीठी जब आवाज की, यहीं पर जटिला कंडाबिन ने आई थी, जब उन्होंने कुहू शब्द सुने, बोले जीवन में तो बहुत मैंने इसका कुहू आवाज सुनी कोयल की, लेकिन इतना सुंदर मैंने कभी आवाज सुन नहीं, इतना सुंदर आवाज कि उनका नाम ही कृष्ण है जो विश्व ब्रह्मांड का आकर्षण करते हैं। उन्होंने जाकर बोले जटिला कुटिला, बोले राधे मैंने जीवन में बहुत कोयल की आवाज सुनी, लेकिन आज एक अद्भुत कोयल कोहू कर रहा है, जाकर के देखो। वो समझ गए भैया कोयल तो कोयल ही होगी, अद्भुत कोयल कहाँ से आएगी। वो समझ गए ये और कोई नहीं, ये कौन है, वही काले है। जब यहीं पर श्री राधा रानी सखियों के साथ में आई, जब उन्होंने कोयल के शब्द को सुनी, क्योंकि जो राधा रानी का जो मन है ना, ये कभी भी कृष्ण के सिवाय और किसी की आवाज में कभी भी राधा जी का मन आकर्षण नहीं होगा, वही की तो केवल श्री श्याम सुंदर के नाम रूप गुण लीला के प्रति आकृष्ट होगी और किसी के प्रति आकृष्ट नहीं होगी। राधा रानी तो समझ गए ये और कोयल नहीं, वही काले है। तब यहीं पर उन्हें ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर से मिलन हुई है, इसलिए ये स्थान का नाम है कोयल कोकिला बन है। अभी हमारे बीच में ऋषिकेश महाराज बंगला भाषा है,